आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। युगल मुनि श्री शिवानंद जी श्री विप्रशमानंद जी गुरुदेव की जय। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। तो लीजिए, श्रीवाणी चैनल आप सबके लिए फिर से लेकर आ गया है एक नई वीडियो, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल और आपको देने होंगे जवाब, और जीतेंगे आप इसमें कैश प्राइजेस। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कुछ। मैं आपसे 15 क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ, जिसमें से कुछ के आंसर तो हम आपको देने वाले हैं, लेकिन कुछ के आंसर आप हमको देंगे। जी आप, और वो भी नो कमेंट करके नहीं देना है, आपको व्हाट्सएप पर देना है। नंबर है 7827080365। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो तोरण द्वार से ही दीक्षा लेकर चले गए थे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर आंसर इज श्री नेमिनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका नाम व जन्म नगरी का नाम मिलता जुलता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड योर आंसर इज चंद्र प्रभु जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एकमात्र तीर्थंकर का नाम बताइए जिनकी बेटियां हुई थी। जी हाँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका आंसर है श्री आदिनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नाम व उनके पिता के नाम में सिर्फ एक मात्रा का फर्क है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर आंसर इज श्री वासुपूज्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन से एकमात्र तीर्थंकर हैं जिनकी जन्मतिथि व उनके पुत्र की जन्मतिथि एक ही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका आंसर है क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप हमें देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र तीर्थंकर बताइए जिन्हें वृक्ष पर पतझड़ आता देखकर जाति स्मरण हो गया था। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर आंसर इज श्री सुपार्श्वनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एकमात्र तीर्थंकर जिन्हें मात्र 6 दिन में ही केवल ज्ञान हो गया था। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर आंसर इज श्री मल्लीनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जन्म नक्षत्र रेवती है। लीजिए आपका टाइम स्टार्ट नाउ। योर आंसर इज श्री अनंतनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जो अपने पूर्व भव में एक तीर्थंकर के पौत्र बन चुके थे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर आंसर इज श्री महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिन्हें षटखंड पर विजय प्राप्त करने में 800 वर्ष लगे थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर आंसर इज अगेन क्वेश्चन मार्क, मीन्स इसका आंसर आप हमको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनकी मुनि दीक्षा के बाद होने वाले प्रत्येक आहार में पंचाश्चर्य हुए थे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो लीजिए, आपका आंसर है श्री महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र तीर्थंकर जिनका प्रथम आहार खीर से नहीं हुआ था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो लीजिए, आपका आंसर है श्री आदिनाथ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नाम में एक लेशिया का नाम आता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका आंसर है श्री पद्म प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से तीर्थंकर हैं जिनका अपने भाई से ही कई जन्मों तक बैर चला था? तो लीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। फिर से आ गया क्वेश्चन मार्क, मींस इसका आंसर आप हमको देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र तीर्थंकर वो कौन से थे जिनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर है श्री संभवनाथ जी। चलिए, तो अब मैं आपको बताने वाली हूं पहली वाली प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम। तो हो जाइए तैयार। तीन विजेता थे हमारे पहली प्रतियोगिता के, जिसका नाम था वह कौन सा तीर्थ है। पहले विजेता हैं रीता जैन जी मेरठ, आशा रानी जैन जी पानीपत, प्रज्ञा जैन जी बड़ौत। आप सभी विजेताओं को श्रीवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। अब आप सभी को क्या करना है, अपना पेटीएम नंबर हमें 7827080365 पर व्हाट्सएप करना है, जिससे हम आपकी इनाम की राशि भेज सकें। तो सभी जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि हम आपको भविष्य में ऐसी ही प्रतियोगिताएं दिखाते रहें और आपको प्राइज जिताते रहें। तो प्लीज़ चलिए, नेक्स्ट प्रतियोगिता तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र।